फोर्थ वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, हम लोग EVS आसपास बुक से चैप्टर नंबर 3 नंदू के साथ एक दिन उर्दू मीडियम में पढ़ेंगे। साथ ही सभी सवाल जवाब मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड समझाऊंगी। इसके साथ दो चैप्टर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर, चैप्टर 3 नंदू के साथ एक दिन। तो नंदू कौन है? ये हाथी है। फर्स्ट हेडिंग दे रखी है नंदू जाग उठा, यानी नंदू जाग उठा और उसने अपनी आंखें खोली। चंद मिनटों के लिए वे समझ नहीं पा रहा था कि वे कहाँ हैं, यानी जब नंदू नींद से जागा उठा तो वो समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ है। आगे इसको ऐसा महसूस हो रहा कि वे बड़े बड़े सरमाए पेड़ों के तनों के जंगल से घिरा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये नंदू है और मानो ये हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है। जब इसकी आँख खुली और इसके बाद इसने अपनी पलकें झपकाई और आसपास दौड़ाई, यानी ये नंदू है, इसने अपनी आँखें खोली और आसपास नज़रों को दौड़ाया और वे रही अम्मा, यानी अपनी अम्मा को देखा और कहा वे रही अम्मा। उसने जो ख्याल देखा कि वे एक सरमाए जंगल में है, उसने ख्याल देखा है कि एक सरमाए जंगल में है। कौन? नंदू। दर हकीकत इसके अफराद खाने के पेड़ और उनके सुंडे थीं। वो जंगल के बारे में बता रहा है। कौन? नंदू। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, सूरज सिर पर था, यानी सीधी धूप पड़ रही थी और मौसम कैसा था? बहुत गर्म था। इसके बाद बोला गया है, नानी अम्मा बहुत ज़ोर की आवाज़ निकालती हुई चिंगाड़ी, इनकी नंदू की नानी अम्मा। आगे बोला है, हाथियों के ऐसे झुंड में नानी अम्मा सबसे बड़ी है। आप हाईलाइट करेंगे, NCERT बुक को साथ में लेकर के बैठेंगे और चैप्टर नंबर 3 खोलेंगे। आगे बोला है, उन्होंने जंगल की जानिब चलना शुरू कर दिया, यानी उसके बीचम बीच, और हथनियों ने उन्हें देखा और पीछे चलने लगी। नंदू भी इसी के साथ चल पड़ा, यानी उसने नानी अम्मा को देखा, उनके साथ और भी हथनियाँ चली ठीक इसी तरह नंदू भी उनके पीछे पीछे चल दिया। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बोला है, जब वे जंगल में पहुँचे, झुंड के मेंबरों ने इधर उधर फैलना शुरू कर दिया। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, उन्होंने इधर उधर, कोई लेफ्ट कोई राइट में फैलना उन्होंने शुरू कर दिया। हर एक मेंबर अपनी अपनी पसंदीदा पत्तियां और टहनियाँ खाने के लिए अलग अलग हो गए, यानी काफ़ी सारे हाथी थे, उसमें नंदू भी था, तो वो अलग अलग हो गए अपने पेट को भरने के लिए। जब वे खाना ख़त्म कर चुके थे तो झुंड दरिया की जानिब रवाना हुआ, यानी एक दरिया के बीचम बीच इनका झुंड आ गया। याद रहे, हाथियों के झुंड की बात हो रही है। हाथियों के बच्चों ने पानी में खेलने का लुत्फ़ उठाया, यानी हाथी के बच्चे पानी में खेले, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह माएँ पानी और कीचड़ में दरिया के किनारे लेट गईं। जो माएँ थी हाथियों की, उन्होंने क्या करा, वो उस कीचड़ में लेट गईं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या तुम जानते हो कि एक हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और टहनियाँ एक दिन में खा सकता है? हाईलाइट करेंगे पॉइंट, हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करता। तो याद रहे स्टूडेंट्स, वो तकरीबन दिन में तकरीबन 4 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी कितने घंटे आराम करता है? सिर्फ 4 घंटे। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलने का बहुत शौक होता है। हाईलाइट करेंगे स्टूडेंट्स, कीचड़ इनकी जिल्द को ठंडा रखती है, यानी इनकी खाल को ठंडा रखती है। इनके बड़े बड़े कान स्टूडेंट जो पंखे जैसे दिखाई देते हैं, तो ये पंखे का अंजाम देती है हाथियों को, यानी बोला गया है हाथी उनको फड़फड़ाते रहते हैं ताकि अपने आप को ठंडा रख सकें। आपने देखा भी होगा कि हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं और वो उसे हर टाइम फड़फड़ाते रहते हैं, यानी हिलाते रहते हैं। अब सवाल जवाब शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, मालूम करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंदू की उम्र महज 3 माह है लेकिन इसका वज़न 200 किलोग्राम है, तो बोला गया है तुम्हारा क्या वज़न है? आंसर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरह आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल। पेज नंबर आप लोग बुक का 22 खोलेंगे चैप्टर 3 से, तो आप लोग लिखेंगे मेरी उम्र 15 साल की है। अगर कोई बच्चा इससे छोटा है तो वो अपनी एज को चेंज भी कर सकता है, और मेरा वज़न 40 किलोग्राम है। आप नंबर को चेंज भी कर सकते हैं, जिस बच्चे का जितना भी किलोग्राम या उसकी उम्र है, और बाकी सारे अल्फाज सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पेज नंबर 22 से। आगे का सवाल दे रखा है पेज 22 से, तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का वज़न
मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। तो ये आंसर लिखना है। तो अब आप लोग किस तरह लिखेंगे आंसर में, आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स हम जैसे पांच बच्चों का वज़न मिला करके नंदू के वज़न के बराबर होगा, क्योंकि नंदू का वज़न 200 किलोग्राम है। आगे का पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ रहे होंगे। आप हैंड टू हैंड बुक में फिल करेंगे। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, नंदू को दे रखा है कि किस तरह ये एक दूसरे पर पानी को उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। रीड करते हैं। नंदू ने देखा कि इसके बहन भाई एक दूसरे की दुम खींच रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है स्टूडेंट्स, एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं, एक दूसरे के साथ शरारत कर रहे हैं। इसने सोचा बेहतर है कि मैं उनके करीब ना जाऊं। अब उसने ऐसा क्यों सोचा? अगर वे मेरे ऊपर गिर पड़े तो मेरा क्या होगा? तो उसका यह डर है कि कहीं मेरे पर न गिर जाए, मैं तो अभी छोटा हूँ, ऐसा नंदू ने कहा। वे खामोशी से चल दिया और जाकर अपनी माँ के करीब खड़ा हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है, अम्मा ने आहिस्ता से नंदू को पानी की तरफ धकेल दिया, जैसे कि वो भी नंदू की अम्मा उनसे ये बात कह रही हो कि जाकर तुम भी खेलो। नंदू को पानी में खेलना पसंद था। इसके रिश्तेदार भाई बहन पहले ही वहाँ मौजूद थे। जैसे कि वे पानी के नज़दीक पहुँचा, तो जैसे ही नंदू स्टूडेंट्स पानी के नज़दीक पहुँचा, पानी का फुवारा उसके सिर पर गिरा, वे बिल्कुल भीग गया। और ये काम उसके शरीर बहन यानी शरारती भाई बहनों का था। नंदू भी सबके साथ खेल में शामिल हो गया, ठीक इसी तरह जिस तरह इस फोटो में स्टूडेंट्स दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है, सूरज ग्रुप होने से पहले हाथियों का झुंड जंगल की तरफ चल पड़ा, यानी सूरज डूबने से पहले। इस वक्त तक नंदू थक गया था और वे दूध पीते पीते अपनी माँ के पाँव के दरमियान ही सो गया था, क्योंकि नंदू अभी छोटा है। अब येलो बॉक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से क्या बोला गया है। तुमने नंदू और हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ा, ऑब्वियसली पढ़ा भी हमने। इसके बाद बोला गया है, हाथियों का झुंड सिर्फ हथनियों और हाथियों के छोटे बच्चों पर मुश्तमिल होता है। आगे बोला है स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ी हथनी ही झुंडिया गिरोह पर सरबरा होती है। आप याद रखेंगे जी, जो भी उनके झुंड में सबसे बड़ा है वही उनके ग्रुप का क्या होगा, सरबरा होगा, यानी उनका हेड होगा। एक झुंड तकरीबन 10 से 12 हथनियों और छोटे बच्चों पर मुश्तमिल होता है। याद रखेंगे आप लोग, तकरीबन 10-12 हथनियाँ और उसमें छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, ये इनका क्या होता है, झुंड होता है। और अगर हम नर हाथी की बात करें तो उनके झुंड में या गिरोह में, गिरोह यानी ग्रुप स्टूडेंट, 14 या 15 साल की उम्र तक हाथी रहते हैं। आप याद रखेंगे 14 या 15 साल की उम्र तक के हाथी रहते हैं। इसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले घूमते फिरते हैं, यानी वो जब तक 14 या 15 के नहीं हो जाते तो जब तक तो वो ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो उस ग्रुप को छोड़ देंगे। नंदू भी इस वक्त तक ही झुंड में रहेगा जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता, यानी वो 14-15 का नहीं हो जाता जब तक वो झुंड के साथ रहेगा, और उसके बाद वो इनका ग्रुप छोड़ देगा। आगे बोला है स्टूडेंट्स, हाथियों की हर तरह यानी हाथियों की तरह ही कुछ और जानवर ही ग्रुप में मिलजुल कर रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे एक कबूतर का, जो कबूतर होते हैं उनका पूरा ग्रुप होता है। इन जानवरों के ग्रो झुंड या गिले होते हैं, ठीक इसी तरह जिस तरह हाथी के एक झुंड के जानवर आमतौर पर खाने की तलाश में साथ साथ घूमते फिरते हैं, यानी इनका मोटिव अपने खाने को ढूंढना होता है। स्टूडेंट्स अगेन सवाल जवाब शुरू होते हैं, अगर आप नंदू होते तो एक झुंड या गिरोह में रहते तो किस किस्म की हरकतें करते? तो अब मैं आप लोगों को जवाब समझाती हूँ स्टूडेंट्स। पेज नंबर 24 का है ये सवाल। तो क्या बोला गया है, अगर मैं झुंड या गिरोह में होता तो खूब खेलता, खूब मज़े करता। जाहिर अगर आप ग्रुप में होते तो आप भी क्या करते, खेलते और खूब मज़े करते। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। आगे का सवाल दे रखा है स्टूडेंट्स, हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हाथी लेती है। बुजुर्ग जो हथनी होती है वही सारे उनके फैसले को लेती है, तुम्हारे खानदान में फैसले कौन करता है? अब मैं आप लोगों को जवाब दिखाती हूँ कि किस तरह लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। पेज नंबर 24 का ही है ये, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है 24। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे दादा जान। यह हो सकता है कि किसी बच्चे की फैमिली में उनके घर में कोई और फैसला लेता हो, तो आप लोग इस आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 25 खोलेंगे बुक का।
बिग एक्टिविटी बेस दे रखा स्टूडेंट्स कि हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाना है। उस मकसद के लिए हाथियों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तस्वीर जमा कर सकते हो उनको काटना है और अपनी कॉपी में चिपकाना है। स्टूडेंट्स ये आप लोग खुद करेंगे। आप लोगों को एलिफेंट की फ़ोटो कलेक्ट करनी है और उसको अपनी कॉपी में चिपकाना है। आगे का सवाल पढ़ते हैं। नंदू वे सब चीज़ें करता था जो उसको पसंद थी। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ एक पूरा दिन गुजारने का मौका मिले तो तुम क्या क्या करना पसंद करोगे। आंसर पढ़ते हैं स्टूडेंट। जवाब स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 खोलेंगे बुक का और सवाल आप लोग लिखेंगे कि हम खूब खेलेंगे, मिलकर पसंद की चीज़ें खाएंगे, मज़े करेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। जाहिर है सभी बच्चे यही करेंगे। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं पेज नंबर 25 का ही। स्टूडेंट्स आप लोग हैंड टू हैंड आंसर को फिल करेंगे। आगे का दे रखा है मालूम करो और लिखो कि कौन कौन से जानवर है जो झुंड या गिरोह में रहते हैं। अब मैं आप लोगों को जवाब दिखाऊंगी कि किस तरह लिखा जाए। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स भेड़ और कबूतर, या आपको जो भी जानवरों के नाम पता है वो भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है क्या तुम भी ग्रुप में रहते हो, क्या तुम इस तरह सबके साथ रहना पसंद करते हो। अगर ग्रुप में रहना पसंद करोगे आप ग्रुप में रहना पसंद करोगे या नहीं, तो दो कॉलम दिए गए हैं। मैं ग्रुप में रहना पसंद करूंगी क्यों, मैं ग्रुप में रहना क्यों नहीं पसंद करूंगा या करूंगी। अब जवाब देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। आप लोग हैंड टू हैंड इसे फिल करेंगे। तो स्टूडेंट जवाब में बोला गया है नहीं, हम किसी झुंड में नहीं रहते हैं। तो इसके सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं और नुकसान। इसके फ़ायदे क्या है कि मुसीबत के वक्त सब काम आते हैं क्योंकि सब इकट्ठे होते हैं। जबकि नुकसान क्या है इसके कि ग्रुप में लड़ाई के ज़्यादा खतरात हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स ग्रुप में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसका फ़ायदा है, नुकसान क्या है, आपसी अखलाफात पैदा हो सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट दे रखा है कि मुझे ग्रुप में रहना क्यों पसंद है या इसके फ़ायदे। स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक है, काम मिल बांट कर कर लेते हैं। और जबकि नुकसान, या मैं ग्रुप में रहना पसंद क्यों नहीं करूँगी, सब अपनी पसंद के काम के लिए ज़िद करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग बुक का पेज नंबर 26 खोलेंगे। आई होप आप लोगों ने आंसर भी फिल करे होंगे हैंड टू हैंड। आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बोला गया है कि जब हाथियों को जंजीर में बांध कर रखा जाता है तो वो क्या महसूस करते हैं, इस पर बातचीत करो और अपने एहसास में दूसरों को शामिल करो। यानी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। आप लोगों को अपनी क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करना है। आप लोग टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड का क्वेश्चन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा सवाल दे रखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है, क्या महसूस हुआ। आंसर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग जवाब में लिखेंगे हाँ की है, पहले तो डर लगा क्योंकि हम भी हाथी के चलने से हिल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद डर निकल गया और बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने आंसर लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 26 आप लोग खोल के रखेंगे। तो आप लोग अपने NCERT बुक में आंसर को फिल करेंगे। आगे पढ़ते हैं कि किन जानवरों पर तुम बैठ चुके हो उनके नाम लिखने हैं। तो जिन भी जानवरों के ऊपर आप लोग बैठ चुके हैं उनके नाम लिखेंगे। मैं फिर भी आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर देती हूँ। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे ऊँट, घोड़ा और हाथी। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे के सवाल। आगे का सवाल दे रखा है स्टूडेंट्स तुमने अपने चारों तरफ बहुत से जानवर को फिल्मों या किताबों में देखा होगा, कुछ अकेले होंगे तो कुछ गिरोह में, उनमें से किसी जानवर के बारे में मालूमात हासिल करो और इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। मैं अब आप लोगों को जवाब दिखाती हूँ। स्टूडेंट जवाब में आप लोग लिखेंगे ऊँट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। यानी किसी भी एक जानवर के बारे में आप लोगों को 3 से 4 लाइनें लिख के छोड़ देना है। ऊँट को इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है। ऊँट एक बार पिए गए पानी को हफ्तों तक चला सकता है और एक हफ्ते तक बगैर पानी के भी रह सकता है। सब बच्चे जानते हैं ये बात। ऊँट पानी को अपने अंदर जमा करने की सलाहियत भी रखता है। ऊँट का कुब होता है स्टूडेंट जिसमें चिकनाई जमा होती है। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा और सभी बच्चों ने इसे नोट डाउन करा होगा, प्लस आप लोग इसे याद भी करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सवाल बहुत ज़रूरी हैं। अब पेज नंबर 27 खोलेंगे।
आगे आप लोगों को दे रखा है स्टूडेंट्स एक फ़ोटो दे रखी है और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है तुम्हें क्या लगता है कि बगला भैंस की पीठ पर क्यों बैठा हुआ है, यानी इस फोटो के अंदर दिखाया। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, बगला भैंस की पीठ पर उसके बालों पर बैठे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए बैठता है। आई होप आंसर समझ में आया होगा, आप लोग इस आंसर को लर्न भी करेंगे। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे के सवाल में बोला है, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते हुए देखा है? इसका आप लोगों को नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट सवाल में बोला गया है जानवर जो सवारी कर रहा है, अब आंसर पढ़ते हैं इसका। स्टूडेंट्स सवाल में आप लोग लिखेंगे, जी हाँ हमने चिड़िया को मगरमच्छ पर सवारी करते हुए देखा है। तो आप लोग भी इस आंसर को नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, याद रहे ये पेज नंबर 27 है, 27 आप लोग खोल के रखेंगे। तो आगे का सवाल दे रखा है, ऐसे जानवर का नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। अब आप लोगों को, आप में से बहुत से स्टूडेंटों को उन जानवरों के नाम पता होंगे। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, गधा, गाय, बैल, भैंस और ऊंट, ये आप लोग जवाब में लिखेंगे। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी सवाल। आगे का सवाल है, ऐसे जानवर के नाम लिखे जिन्हें हम सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अब वो जानवर जो सामान ढोने के इस्तेमाल में आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे जानवरों के नाम लिखे जिन्हें आप लोग सवारी के काम में लाते हैं। तो जो सवारी के जानवरों के नाम है, आप उसमें ऊँट, हाथी, घोड़ा, कच्छर, पहाड़ी इलाकों में चढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और अभी जो मैंने क्वेश्चन रीड करवाया, यानी ऐसे जानवरों के नाम लिखे नियम सामान ढोने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, गधा, गाय, बैल, भैंस और ऊंट को लिखेंगे। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे आप लोगों को रीडिंग करनी है, जिसमें दे रखा है, अगले सफ़ा पर दी गई हाथी की तस्वीर को बड़ा करके एक मोटे कागज़ के सफ़े पर बनाना है। एक्टिविटी बेस है स्टूडेंट्स, की तस्वीर में जहाँ कांटे का निशान लगा हुआ है वहाँ आप थोड़ा सा काटेंगे और एहतियात से, यानी ध्यान रखते हुए कांटों की तस्वीर का कोई हिस्सा ना कट जाए, यानी ऐसा ना हो कि पिक्चर कट जाए। नुक्ते वाली लाइन के साथ आप लोग मोड़ेंगे, फिर ध्यान में रखते हुए आप लोग धारियों वाली लाइन के साथ साथ अंदर को मोड़ेंगे, दुम काटकर बनाएंगे और उसे चिपका देंगे यानी अलग से, एंड देन उसके बाद आपका हाथी तैयार है। एक्टिविटी बेस्ड है, स्टूडेंट्स इसे खुद करेंगे, इसके बाद इसमें रंग भरेंगे और इसे सजाएंगे। इन हाथियों की तस्वीर अपनी जमात के कमरे में सजाओ और तुम लोगों ने बनाई है, यानी जो हाथी आप लोगों ने प्रिपेयर करा है वो आप लोगों को अपनी क्लास में लगाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स अब आगे दे रखा है, इन तस्वीरों को बागौर देखना है और पढ़ना है, यानी पढ़े कि जानवर अपने दोस्तों से क्या बातचीत कर रहे हैं। जैसे ये सांप है, आप पढ़ते हैं कि सांप क्या कह रहा है अपने दोस्तों से, ये टोकरी ही अब मेरा घर बन गया है, यानी ये सांप कह रहा है क्योंकि सांप को सपेरा टोकरी में रखता है। मैं तो जैसे खिले जंगल और ताज़ा हवा में रहना ही भूल गया हूँ। कौन कह रहा है? ये सांप कह रहा है क्योंकि इसे टोकरी में रखा जाता है। मेरे लिए बस अब सिर्फ टोकरी और सपेरा ही सब कुछ है। तो ऐसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी परेशानी को बता रहे हैं। इसी तरह ये भालू आप मुझे सर्कस में देखते हैं नाचते हुए और आग के गोलों में से कूदते हुए आप तालियां बजाते हैं और लुत्फ उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ रहकर बहुत खुश हूँ? अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे खाना नहीं मिलेगा और मार भी अलग खानी पड़ेगी। तो सभी जानवर अपने अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। ठीक इसी तरह ये घोड़ा क्या कह रहा है? आपने सिर्फ ये देखा है कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। क्या आपने मेरे जूते देखे हैं? क्या आप जानते हैं कि मुझे कितना दर्द होता होगा जब उसके खुर को फिट किया जाता है? नाले मेरी खुरों में पोसवत की जाती हैं, यानी फिट की जाती हैं। अब इस बंदर की परेशानी सुनते हैं, नाश्ता रहूं, चाहे मेरा दिल करे
करें या हमें कहीं दर्द हो रहा हो, ये सब भूखे पेट करना होता है। तो बेचारा बंदर भी अपने परेशानी सुना रहा है। अब बिल्ली का पढ़ते हैं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मैं सिर्फ इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ, मुझे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, वे मुझे सहलाते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। तो ऐसा कौन कह रहा है? ये बिल्ली कह रही है। कबूतर का पढ़ते हैं, गुटर गु, क्या तुम जानते हो लोग मुझे ख़ास तौर पर दाना खिलाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ये कबूतर कह रहा है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे का सवाल, आपने पढ़ा ये जानवर क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। आपका ख्याल क्या है, इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? अब इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर 30 खोलेंगे स्टूडेंट्स, आंसर में लिखेंगे, क्योंकि लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनकी आज़ादी इनसे छीन ली जाती है, इसलिए ये जानवर अफसोस ज़दा है, यानी अपने परेशानी को बता रहे हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर लिखा होगा, प्लस याद भी करा होगा, लिखकर प्रैक्टिस करी होगी। आगे पढ़ते हैं, आगे दे रखा स्टूडेंट्स, आज़ादी से घूमने फिरने वाले बंदर और सर्कस में या मदारी के साथ तमाशा दिखाने वाले बंदर में तुम्हें क्या फ़र्क नज़र आता है? तो आप लोगों को फ़र्क बताना है। आंसर पढ़, तो स्टूडेंट्स आंसर में आप लोग लिखेंगे, पेड़ों पर झूलते और खेलते बंदर जो बाहर होते हैं, बेसिकली वो आज़ाद होते हैं और अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहते हैं रहते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही वो खाते पीते हैं, जबकि स्टूडेंट्स मदारी के बंदर कैद होते हैं और उन्हें मदारी की मर्ज़ी के मुताबिक ही रहना, खाना और पीना पड़ता है। आई होप आंसर समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट पेज में दे रखा है आप लोगों को, इस हाथी के कितने टांगे हैं? चार हैं। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे चार। आई होप आप लोगों को फुल चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर होता है कंप्लीट विद इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 समझाऊंगी सवाल जवाब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।